जेब्रॉनिक है फाइव का 5.1 सराउंडेड साउंड बार इस साउंड बार को अराउंड मैं तीन वीक से डेली बेसिस पर मूवीज और टीवी शोज देखने के लिए यूज कर रहा हूँ एंड व्हाट आई नोटिस हमें साउंड बार में काफी सारे इंप्रेसिव फीचर्स तो मिलते हैं बट इसमें कुछ चीजें हमें डिसअपॉइंट भी करती है तो जानते हैं क्या ये साउंड बार आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इन इट सबसे पहले आउट ऑफ बॉक्स कंटेंट को देखे तो हमें इसमें साउंड बार सब टू सैटेलाइट स्पीकर रिमोट HDMI केबल 3.5 mm फाइव एम एम जैक टू आर सी एबल वॉल माउंटर और यूजर मिल जाता है सॉलिड और बटन तो right मिलता है जिससे आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल इनपुट सोर्स के बीच में स्विच कर पाते हैं फ्रंट साइड पर हमें मिनी डिस्प्ले मिलता है जो वॉल्यूम लेवल और करंट इनपुट के बारे में बताता है कनेक्टिविटी और कंपेटिबिलिटी की बात करें तो ये साउंड बार को आप सभी डिवाइसेस के साथ यूज कर सकते हैं इनफैक्ट यदि आप 2009 का टीवी मॉडल भी यूज कर रहे हैं तब भी येगा ये हमें R, mm जैक, और USB पोर्ट का मिल जाता है वो आई लाइक के साउंड बार को सेटअप करना काफी सिंपल है हम सिंपली पावर सब और एच केबल को कनेक्ट करके साउंड बार को यूज कर सकते हैं गुड थिंग हमें सब को अलग से पावर अप नहीं करना पड़ता है वोफर को यूज करने के लिए सिंपली एक सिंगल वायर को साउंड बार से कनेक्ट करना होता है इवन सैटेलाइट स्पीकर भी ऑटो पेयरिंग मोड के साथ आते हैं सो so, जैसे ही आप इन्हें पावर से कनेक्ट करते हैं ये स्पीकर इंस्टेंटली साउंड बार के साथ कनेक्ट हो जाते हैं साउंड बार के रिमोट को देखा जाए तो हमें इस रिमोट में सभी फीचर्स मिल जाते हैं इस रिमोट से हम सराउंड स्पीकर की वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं सब उफर का बेस अप डाउन कर पाते हैं इनपुट मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं और रिमोट से ही हम साउंड बार के डिस्प्ले को ऑन और ऑफ कर पाते हैं आई डू लाइक कि हमें डिस्प्ले लाइट को ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है सो so, आप डार्क रूम में मूवी इंजॉय करते टाइम आपको ये ब्राइट लाइट बॉर्डर नहीं करती है आई डोंट लाइक रिमोट काफी लो क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल यूज किया है जिससे रिमोट का इन हैंड फील इतना अच्छा नहीं है ये रिमोट चीप चाइनीज रिमोट की तरह फील होता है गुड थिंग इज ये साउंड बार एच डी माई सी सी ऑप्शन को भी सपोर्ट करता है सो so, हमें टीवी रिमोट और साउंड बार के रिमोट को साथ में यूज नहीं करना पड़ता हम टीवी रिमोट से ही साउंड बार की वॉल्यूम को भी इजिली कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी साउंड बार में सबसे ज्यादा मैटर करता है साउंड क्वालिटी इस साउंड बार का टोटल आउटपुट है 525 का जिसमें तीन सेवेंटी वॉट के स्पीकर हमें साउंड बार में मिलते हैं दो सेवेंटी फाइव वार्ट के रियर स्पीकर मिलते हैं और 150 फिफ्टी वार्ट का सब वो मिल जाता है साउंड बार इजिली मीडियम और लार्ज साइज रूम के लिए मोर देन सफिशेंट है साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये साउंड बार मूवीज और म्यूजिक के लिए काफी अच्छे से फाइन ट्यून करा गया है ऑल दो वोकल्स में हमें थोड़ी बेसिनेस मिलती है बट स्टिल मिड्स हाइज और लो क्लियरली सुनाई देते हैं स्पेशली यदि आप फाइव पॉइंट वन सपोर्टेड मूवी या टीवी शो देखते हैं तो हमें साउंड सेपरेशन क्लियरली सुनने के लिए मिलता है सेंटर हमें डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं और बाकी सभी स्पीकर बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स पर फोकस करते हैं मैंने साउंड बार के साथ फाइव पॉइंट वन ऑडियो में बैटमैन और भूल भुलिया जैसी मूवीज देखी एंड वट आई ये रियर नोटिस स्पेशली साउंड इफेक्ट सुनाने के लिए ही डिजाइन करें फॉर एग्जाम्पल जब बैटमैन बाइक से गियर को चेंज करता है तो हमें बाइक के गियर चेंज का साउंड भी क्लियरली सुनाई देता है नॉट नॉट ओनली दैट भूल भलैया मूवी में जब मंजुलिका लेफ्ट साइड से राइट right साइड के लिए भागती है तो हम एक्चुअली फील कर पाते हैं कि कोई पर्सन राइट साइड से लेफ्ट साइड गया ये काफी छोटी डिटेल्स है but ये डिटेल्स ही ओवरऑल बेहतर होम थिएटर टाइप साउंड एक्सपीरियंस दे पाती है हियर इज अ क्विक सैंपल हाउ वेल इट परफॉर्म्स हम सिस्टम को हैक कर सकते हैं सच में कहो तुमने तो हमें बचा लिया अभी मैं चुनाव क्या ये से ये गुंगरू कहाँ से मिला ये गुंगरू कहाँ से मिला हमें साउंड बार में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है जिससे आप सराउंड साउंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे 5.1 और डॉल्बी में ऐसा कोई ड्रास्टिक साउंड इम्प्रूवमेंट नोटिस नहीं हुआ गाइस हमें ये दो सैटेलाइट स्पीकर भी मिलते हैं जो एक्चुअली स्पीकर की तरह वर्क नहीं करते हैं फाइव सपोर्टेड मूवी देखते टाइम ये टोटली साइलेंट totally रहते हैं बट जैसे ही मूवी में कोई एक्शन सीन होता है या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक हाई होता है तो हमें इन स्पीकर से साउंड हमेंट्स या बैकग्राउंड म्यूजिक जैसी आवाज आती है ये स्पीकर स्पेशली साउंड इफेक्ट्स के लिए डिजाइन करे गए सो so मोस्टली ये स्पीकर पर्टिकुलर सेट की फ्रीक्वेंसी पर ही साउंड प्ले करते हैं विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग यदि सभी स्पीकर एक ही वॉल्यूम पर प्ले होने लगे तो ये आपको होम थे टाइप एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगे दैट इज द रीजन कि ये स्पीकर सिर्फ स्पेशल साउंड करते हैं के पर रखना जरूरी है तभी आप कर पाएंगे. What I like is, हम इन स्पीकर बटन मिलता है जिससे आप इन सेटेलाइट स्पीकर को लेफ्ट या राइट स्पीकर की तरह यूज कर सकते हैं यू माइट बी थिंकिंग कार्तिक हमें सिर्फ एक ही सेटेलाइट स्पीकर को पावर पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ता है नाउ सपोज आपके घर पर पावर प्लग राइट साइड पर है और आपके स्पीकर में लेफ्ट साइड से ही पावर कनेक्ट हो सकता है ऐसे में आपको लेफ्ट साइड के स्पीकर को पावर से कनेक्ट करने के लिए राइट right साइड से पावर एक्सटेंशन ले जाकर लेफ्ट साइड के स्पीकर को कनेक्ट करना पड़ेगा अब स्पीकर में इंटरचेंजेबल ऑप्शन होने से आप इजिली लेफ्ट साइड के स्पीकर को राइट right साइड से पावर पोर्ट पे कनेक्ट करके मेन स्पीकर को राइट right स्पीकर की तरह यूज कर सकते हैं बेसिकली हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे घर पे सराउंड साउंड स्पीकर कौन से साइड रखना पड़ेगा सब्वूफर को देखा जाए तो हमें इसमें सफिशियंट लेवल का बेस मिलता है जिससे बेस हैपी म्यूजिक सुनते टाइम एक्चुअली आपको बेस फील होता है Although हमें पे कोई बेस को कंट्रोल करने का बटन नहीं मिलता है बट आप रिमोट से इजिली बेस को एडजस्ट कर सकते हैं आई एम टेलिंग दिस जब आप टीवी पर देखते हैं तब आपको इतना ज्यादा बेस सुनने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे में आप बेस को कम लेवल पर सेट करके अच्छी वॉइस क्लियरिटी के साथ टीवी शो को देख सकते हैं बेहतर वॉइस क्लियरिटी के लिए हमें साउंड बार में मूवी म्यूजिक न्यूज और स्पोर्ट्स मोड पर सेट करने का ऑप्शन भी मिलता है जिससे हमें साउंड बार को ज्यादा मैन्युअली नहीं करना पड़ता स्टिल यदि हमें इक्वलाइज़र का सपोर्ट मिलता तो और ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता था नाउ क्वेश्चन क्या ये बार आपको करना चाहिए या नहीं सो लेट मी टेल यू यदि एप्स पर मूवीज और टीवी शोज देखते हैं तो ये आपके लिए साउंड बार टोटली वर्थेट होगा अभी के टाइम पर हमें मेजोरिटी ओटीटी एप्स और टीवी का सपोर्ट मिलता है सो so, हमें हर स्पीकर से ऑडियो सेपरेशन सुनने के लिए मिल जाता है मैंने स्पीकर को डिजनी नेटफ्लिक्स की ऐप के साथ यूज करा एंड मोस्टली कंटेंट 5.1 या फिर डॉल्बी जैसे कंटेंट को सपोर्ट करता है बट यदि आप अनुपमा तारक मेहता जैसे इंडियन टीवी शोज देखने के लिए साउंड बार को यूज करेंगे तो आपको साउंड बार बिल्कुल भी वर्थ इट फील नहीं होगा द रीजन इज इंडियन टीवी शोज फाइव साउंड को सपोर्ट नहीं करते हैं सो इंडियन टीवी शोज देखते टाइम आप साउंड बार से बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्टिल यदि आप फाइव सिस्टम को इंडियन टीवी शोज देखने के लिए यूज करते हैं तो मेजोरिटी साउंड हमें साउंड बार के सेंटे स्पीकर से सुनने के लिए मिलता है विदाउट एनी ऑडियो सेपरेशन सेंटे स्पीकर से ही हमें बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं जिससे यू माइट नोटिस की आपको डायलॉग क्लियरिटी इतनी बेहतर नहीं मिल रही है यदि आपके घर पर सिर्फ इंडियन टीवी शोज देखते हैं तो आप सिंपली टू साउंड बार खरीद सकते हैं वो आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा आपको टेन थाउजेंड टू ट्वेल्व थाउजेंड स्पेंड करने की जरूरत नहीं है बट यदि आप साउंड बार को सिर्फ एप्स के साथ यूज करना चाहते हैं तो आपको ये टोटली वर्थ इट फील होगा हमें साउंड बार पर टाइम टू टाइम बैंक ऑफर और डिस्काउंट सो so, आप बैंक ऑफर और डिस्काउंट को जाने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक से चेक आउट कर सकते हैं। सो so, ये वीडियो किसी भी वे में स्पॉन्सर्ड नहीं है मैंने बार को खुद के पैसे से खरीदा है सो so, आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और टेक कंटेंट में आप इंटरेस्टेड है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वन